मैं अभी सोच रही थी कि तुम्हारे लिए भी कोई इसी तरह का रिश्ता देख लें। अच्छा है किसी अमीर बाप की बेटी हो, वेल सेटल्ड हो, उसका बाप होगा ना तुम्हें सेट कर देगा। ये देखो, सुबह से दिल मचल रहा है, किससे बताऊं, किससे शेयर करूं। ये देखो कोमल की तस्वीरें, कितनी प्यारी लग रही, कितनी खुश है माशाल्लाह। बैठो ना, ये देखो, अब यहां से दुबई जाएंगे, अच्छी है ना। अरे सर हिला रहे हो, मुंह से बोल दो, खुशी से बोल दो। हाँ तुमसे ज्यादा उसकी खुशी में कौन खुश होगा। चले आपने ये तो माना ना कि उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है, तो दुबई भी चली गई है ये, हनीमून काफी लंबा हो गया है। हाँ अहमद का प्लान है कि वो यूके से वाइंड अप करके अब दुबई में अपना बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई स्कोप ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, वहाँ उसे बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है, इस पर बहुत ट्रस्ट करता है। जाहिर है ये है ही इतना अच्छा, इतना स्मार्ट, इतना जीनियस, क्यों नहीं ट्रस्ट करेगा ये। माशाल्लाह खुश है दोनों। लेकिन जैसी इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ, मार्केट ऐसी है नहीं आजकल। ये जो खरगोश होता है ना उसकी रफ्तार ऐसी होती है, और मेरा दामाद जहीन है, अपना नुकसान नहीं होने देगा, तुम देखना तेज नजर रखता है वो। शशि लेकिन फिर भी। लेकिन नहीं डालते, लेकिन डालने से टोक पड़ जाती है। वैसे भी हादी तुम्हें क्या पता है बिजनेस का, मुझे बताओ, मार्केट का क्या पता है? मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रही हूँ, मुझसे तो वो बात करता रहता है। खैर मैं अभी सोच रही थी कि तुम्हारे लिए भी कोई इसी तरह का रिश्ता देख लें। अच्छा है किसी अमीर बाप की बेटी हो, वेल सेटल्ड हो, उसका बाप होगा ना तुम्हें सेट कर देगा। यहाँ रहे तो यहाँ तो ऐसे ही रिंगते रहोगे। चची मेरे पास जो है ना, मैं उससे बहुत खुश। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एक बात याद रखना हादी, पैसा हो ना तो इंसान सब कुछ खरीद लेता है, और पैसा ना हो तो बंदे की वक़्त दो टके की नहीं होती, अपनों में भी और गैरों में। सोचना जरा इस बात। उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।